हे गाइस, वेलकम टू मिस्टर कार्डिनल चैनल। मैं हूँ अक्षय पटेल और आज हम बात करेंगे टाटा की ऐसी कार जो सबसे अफोर्डेबल हैचबैक कार में मानी जाती है। और ये सबसे अफोर्डेबल में आपको इसके कंपेयर करोगे अदर कार से तो ये सेफ्टी के मामले में, इसकी फंक्शन के मामले में और डिज़ाइन और लुक के मामले में भी सबसे अफोर्डेबल रहेगी और आपको पसंद भी आएगी। तो देखते वीडियो। वेलकम गाइज, इसके फ्रंट एक्सटीरियर के बारे, लुक के बारे में बात करूंगा और कैसे जो डिज़ाइन में चेंज किया हुआ है BS6 में, तो वो सबसे पहले बात करूंगा। तो BS6 में थोड़ा माइनर चेंज आपको लगेगा, ये जो हेडलैम्प है वो आपको शार्पली लगेगी और यहाँ पर फॉगलैम्प दिया है, फॉगलैम्प के ऊपर भी क्रोम फिनिश दिया हुआ है। जो ग्रिल है, ग्रिल अभी सभी कारें थोड़ी बड़ी देती है लेकिन उन्होंने अच्छे से मैनेज किया हुआ है और क्रोम में आपको यहाँ पर क्रोम भी आपको मिल जाएगा और ब्लैक जो ग्रिल है और आपको ड्यूअल टोन जैसा लगेगा। तो ये कार का जो एक्सटीरियर लुक है वो अल्ट्रोज के, टाटा की जो इसकी प्रीमियम हैचबैक कार है उसके जैसा सेम आपको लगेगा। इसके साइड प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे तो 14 इंच के आपको डायमंड कट में एलॉय व्हील मिल जाएंगे और टॉप एंड वेरिएंट में 15 इंच में आपको ये एलॉय व्हील मिल जाएगी। इसके जो ORVM के बारे में बात करूँ तो आपको यहाँ पर इंडिकेशन लाइट मिल जाएगी साइड सिग्नल की, और जो साइड प्रोफाइल जो हैचबैक कार है उसके हिसाब से इसकी लेंथ और जो व्हील बेस है और इसकी जो हाइट है वो भी परफेक्टली मैच की हुई है डिज़ाइनिंग में। रियर लुक के बारे में बात करूँ तो जो बूट के ऊपर टाटा का बीजिंग दिया हुआ और टियागो का बीजिंग दिया हुआ, यहाँ पर पार्किंग असिस्ट के सेंसर्स दिए हुए हैं। रियर कैमरा नहीं मिलेगा यहाँ पर ऑफर, टॉप एंड वेरिएंट में आपको रियर कैमरा भी मिल जाएगा। बूट स्पेस के बारे में बात करते तो इनफ यहाँ पर डिसेंट बूट स्पेस दिया हुआ है, आप इजीली 3-4 लोगों को ट्रैवल करना हो तो आप अपना सामान और बैग रख सकते हो और इतनी स्पेस आपको इनफ और डिसेंट है। ऊपर की साइड को आप पर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ सामान रखना हो तो भी रख सकते हो और यहाँ से आपको क्लोज भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके डोर के बारे में बात करें तो डोर पर क्या क्या फंक्शन और क्या क्या एक्सेस आप कर सकते हो, तो यहाँ पर इसे 4 विंडो और आपको लॉक भी कर सकते हो ग्लास को, और ऑटो से डाउन नहीं कर सकते, इसको अप नहीं करेंगे आप, और यहाँ पर 1 लीटर की बॉटल इजीली आप रख सकते हो और कुछ पेपर वगैरह कुछ रखना हो तो रख सकते हैं। अब हम इंटीरियर के बारे में बात करें, इंटीरियर में क्या फंक्शंस दिए हुए और कैसे सेफ्टी फीचर्स है और इसके ड्राइविंग क्वालिटी भी क्या है वो सब बात करेंगे डिटेल में। तो इसकी जो डिज़ाइन दी हो यहाँ पर AC वैन की जो क्लासिक ब्लैक क्रोम में इसके फिनिशिंग में आपको मिल जाएगा और यहाँ पर कुछ सामान भी रख सकते हो, की वगैरह और वॉलेट भी रख सकते हो, इतनी साइज़ बड़ी दी हुई है। ड्यूअल टोन में आपको इंटीरियर मिल जाएगा। स्टेयरिंग के बारे में बात करो तो स्टेयरिंग बॉटम फ्लैट पे स्टेयरिंग दिया हुआ है, यहाँ से आप मीडिया के कंट्रोल और जो जैसे वॉइस कमांड के फंक्शन भी आप यहाँ से एडजस्ट इसको यूज़ कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर जो इसकी हेडलैम्प है और वो वाइपर की कंट्रोल भी यहाँ पर दिए हुए है। तो अब इसके क्लस्टर के बारे में बात करते हैं तो डिजिटल क्लस्टर दिया हुआ है, तो लेफ्ट साइड के ऊपर टैकोमीटर दिया हुआ है, राइट साइड के ऊपर टेम्परेचर और फ्यूल गेज की इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्म करेगी, और MID कंट्रोल दिए हुए हैं। MID में इन्फॉर्मेशन आपको सब कुछ डिटेल में दिखाएगा और इसकी जो MID की साइज़ है वो भी अच्छी खासी यहाँ पर दी हुई है। अब टच स्क्रीन के बारे में बात करें तो 7 इंच की टच स्क्रीन दी हुई है, इसका रिस्पांस के बारे में बात करें तो रिस्पांस भी अच्छा खासा है यहाँ पर दिया हुआ है। एप्पल प्ले है और एंड्रॉयड ऑटो प्ले ही दिया हुआ है, और वेंट के ऊपर क्रोम फिनिशिंग दिया हुआ है यहाँ पर AC के वेंट के ऊपर। यहाँ से आप AC को फ्लो एडजस्ट कर सकते हो, टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो, मोड एडजस्ट कर सकते हो AC वेंट के, और इसके यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है। USB से आप एप्पल कार प्ले भी प्ले कर सकते हो। यहाँ पर कुछ स्पेस दी हुई है, वॉलेट वगैरह कुछ आप रख सकते हो। 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स दिया हुआ है, सामान यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर बॉटल रख सकते हो, छोटी छोटी स्पेस आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। अब इसके प्लास्टिक क्वालिटी, डैशबोर्ड के प्लास्टिक क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो हार्ड प्लास्टिक है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी यूज़ की हुई है, और ड्यूअल टोन में ये इंटीरियर कलर आपको मिल जाएगा, और जो AC वेंट के ऊपर ग्लोसी ब्लैक दिया हुआ है वो भी इसके लुक में और इम्प्रूव होता है, और पिलर के ऊपर 2 साइड स्पीकर दिए हुए हैं। तो सीट के कंफर्ट के बारे में बात करते तो सीट का कंफर्ट बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और इसके जो डीप दिया हुआ है यहाँ पर जो कवर है वो बाहर से एसेसरी से ऐड किया हुआ है, लेकिन जो इसकी कंफर्ट है
आप दोनों साइड से दे सकते हो, और जो डीप है तो आप इजीली और लॉन्ग ड्राइव के लिए और आपको बिना थकान के आप बैठ सकते हो। मैन्युअली ड्राइवर साइड की सीट आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, वहाँ पर ऑटो नहीं दिया हुआ है और वो इसके सेगमेंट में कोई ऑफर भी नहीं करता है। लेकिन जो इसका कंफर्ट है और इसका जो क्यूशनिंग है, उसका थाई सपोर्ट है, वो बहुत अच्छे से उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। बैक कंफर्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर नी रूम आपको अच्छे खासी मिल जाएगी। हैचबैक में ज़्यादातर लोग अच्छी नी रूम नहीं देते, लेकिन यहाँ पर अच्छी नी रूम आपको ऑफर होगी। हेड स्पेस आपको थोड़ी कंसंट्रेट लगेगी, आपको ज़्यादा नहीं लगेगी, 6 फुट का इंसान है तो यहाँ पर टच और ब्रशिंग भी होगा उनको। सीट कंफर्ट के बारे में, सीट का कंफर्ट और कुशिंग बहुत अच्छे से दिया है, ना ही सॉफ्ट दिया और ना ही हार्ड दिया हुआ है। आप कंफर्टेबली और लॉन्ग ड्राइवली आप उसके यहाँ पर बैठ सकते हो। तो जो इसका थाई सपोर्ट है वो भी बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, अगर किसी की हाइट थोड़ी ज़्यादा हुई तो वो वहाँ पर पैर नीचे स्लाइड करेगा तो वो इजीली बैठ पाएगा। हेडरेस्ट जो दिए हुए वो एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स हेडरेस्ट दिए हुए यहाँ पर, और जो है आर्म रेस्ट यहाँ पर ऑफर नहीं होता है। हैचबैक सेगमेंट में सबसे सेफेस्ट कार मानी जाती है, 2 एयरबैग के साथ ये कार आपको ऑफर होगी। और सेफ्टी फीचर्स NP ग्लोबल जो क्रैश टेस्ट होता है वहाँ पर इनको 4 स्टार मिले हुए, और इसकी कंपेयर की जो भी कार है वो सभी को 2 स्टार मैक्सिमम मिले हुए हैं। तो सेफेस्ट कार जो टाटा नेक्सॉन भी है उसकी वो 5 स्टार रेटिंग वाली कार है, एल्ट्रोज भी वो भी 5 स्टार रेटिंग वाली कार है। तो सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है टाटा अभी, और इंडियन मार्केट के हिसाब से, इंडियन कस्टमर के हिसाब से कार को डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि ग्लोव बॉक्स की साइज़ उनको ज़्यादा चाहिए इंडियन कस्टमर को, तो वो ज़्यादा फोकस करते हैं। जो नीरम इसका गाड़ी में दिया हुआ है वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है साइज़ के हिसाब से। और मैं स्टेयरिंग की बात करूँ तो स्टेयरिंग स्टेबिलिटी और जो रोड के ऊपर इसका प्रेजेंस है वो सभी आपको स्मूथ लगेगा, प्लस थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, और गियर शिफ्टिंग भी थोड़ा और स्मूथ हो सकता था मेरे हिसाब से, जो मैंने फील किया है इसके हिसाब से। अब बात करते हैं जो गियर शिफ्टिंग के बारे में, जो सिटी में जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है तो आपको ज़्यादा गियर शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही गियर में उसको सिटी में ड्राइव कर सकते हो। इसका एग्जांपल दूँ तो आप जैसे कि कोई बम्प आ रहा है तो आपको वहाँ पर फर्स्ट गियर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेकंड गियर में भी आप इजीली उसको ड्राइव कर और निकल सकते हो। तो ये आपको ये प्लस पॉइंट दिया हुआ है। और ये BS6 में 1.2 लीटर के साथ इसका इंजन आता है, तो परफॉर्मेंस भी BS6 में ये हुआ है, इम्प्रूव भी हुआ है, और इसकी जो इंजन की क्वालिटी है, जो इंजन का साउंड है वो भी आपको अंदर नहीं ज़्यादा फील होगा, और टायर का जो भी नॉइस है वो भी आपको अंदर फील नहीं होता है। अब इसकी ब्रेकिंग की बात करूँ तो ब्रेकिंग भी बहुत अच्छे से मैं उसको किया हुआ है, ABS CVT के साथ भी ये ब्रेकिंग आती है, ऑल इलेक्ट्रिक फंक्शन के साथ आती है, तो ब्रेकिंग भी बहुत अच्छे से उन्होंने दिया हुआ है। स्टीयरिंग के ऊपर इलेक्ट्रिक फंक्शन भी दिए हुए हैं, आप वहाँ से मीडिया के कंट्रोल भी कर सकते हो। माइलेज और इसकी जो एक्सरूम प्राइस उसके बारे में बात करूँ तो आपको सिटी में अराउंड 60 के अब आपको सिटी में एवरेज इसकी मिल जाएगी, और जो हाईवे के ऊपर माइलेज बोलूँ तो आपको 20 के ऊपर उसकी माइलेज होगी। जब ये अभी ये नई कारें होती है तो आपको ज़्यादा माइलेज 1000 किलोमीटर तक लोगों की कंप्लेन रहती है, कोई भी नई कार लेते हैं तो जो कंपनी क्लेम कर रही है वो माइलेज हमको नहीं मिलती है, लेकिन जब वो रूटीन होगी तब आपको इजीली 20 से अब इस कार में आपको हाईवे के ऊपर माइलेज मिल जाएगी। इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात करूँ तो 4.6 लाख से इसका बेस मॉडल स्टार्ट होता है, तो एक हैचबैक में और अफोर्डेबल कार इसको आप बोल सकते हो, और सेफेस्ट कार है, फंक्शन भी अच्छे से उन्होंने दिए हुए, तो ये आपके लिए एक प्रीमियम मिडिल क्लास फैमिली के लिए परफेक्ट कार है, आप चूज़ कर सकते हो और मान भी सकते हो इस कार को, जो इसकी राइडिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और इसकी साउंड सिस्टम जो है वो साउंड सिस्टम में आपको, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, तो वहाँ पर उसकी साउंड सिस्टम की क्वालिटी है वो मैं पोस्ट करूँगा, तो आप वहाँ पर उसको फील कर पाएंगे कि इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। सेगमेंट में, इस सेगमेंट में जो क्वालिटी हारमोन्स की वो स्पीकर की सिस्टम देते जो इस सेगमेंट में देते और दूसरी कोई कार इतनी अच्छी साउंड की क्वालिटी ऑफर नहीं करती, तो आप इंस्टाग्राम में जाइए और फॉलो कीजिए, वहाँ पर इसकी साउंड क्वालिटी आपको सुनने को मिल जाएगी। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और इस ऐसे ही कार और की वीडियो और आपको रिव्यू जो और आपको इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी।